अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस, जो बहुत आसानी से घर पे बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली हूँ, उसको लंबी स्ट्रिप्स में काट ली हूँ कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम अपने चावलों को उबाल लेते हैं। 2.5 लीटर पानी में 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने उबालने के लिए रख दी थी। अब हम इसमें हमारा सेलार बासमती, जो पहले से भिगो के आधे घंटे पहले रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 2 अंडे इसमें हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, स्क्रैम्बल्ड एग हमें बनाना है कुछ इस तरीके से। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें हम अपने मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। गैस की फ्लेम 1 मिनट तक हम फास्ट रख के इसे पकाएंगे अच्छी तरीके से, और फिर फ्लेम को लो करके हम 5 मिनट तक चिकन को पकाएंगे, जब तक चिकन हमारा गल जाएगा। अब हम अपने चिकन को भी प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे चावल भी अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। हमारे चावल खिले खिले बने हुए हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे और 10 सेकेंड के लिए पका लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून हम वाइट स्प्रिंग अनियंस डाल के 30 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। सॉटे होने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ शिमला मिर्च और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गाजर भी डाल के 10 सेकेंड के लिए इसे सॉटे कर लेंगे। सॉटे होने के बाद अब इसमें हम अपना उबला हुआ चावल भी डाल देंगे और 1 चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो कर देना है। इसमें 1/2 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून विनेगर डाल देंगे। हम इसमें अब चिकन भी अपना डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम अपने चावलों में टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे, प्याज की पत्ती, अच्छे से इसे मिला लेंगे। हमारा जो फ्राई किया हुआ अंडा था वो भी हम इसमें डाल देंगे।
और अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।